हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? रूपा एंड फैमिली चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आई होप आप अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। तो और सब भले चंगे होंगे। तो एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, मैं छोले चढ़ा रही थी और ये होली के मॉर्निंग का क्लिप है। तो मॉर्निंग वाला मैं आज डाल रही हूँ कि मैंने क्या क्या पकवान बनाया। तो मैं हम लोग के घर में मतलब क्या क्या बनता है होली के दिन। तो देखिए, तो छोले तो ज़रूर बनते हैं। और छोले के प्याज लहसुन अदरक ये सब मैं निकाल रही थी। और ये देखिए, तो गुलाब जामुन भी बन रहा है। तो गुलाब जामुन मैं मतलब सारी की तो रेसिपी नहीं दिखा सकती, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं दिखा दे रही हूँ। तो ये देखिए, गुलाब जामुन मैं छान रही हूँ और गोला बना के रख ली हूँ। तो ये, और इधर मैं मतलब उसका चाशनी बना रही हूँ। तो चाशनी बन गया है, तो बस मैं उसे रख दी हूँ। और ये क्या कहते हैं, जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब मैं डालूँगी उसमें गुलाब जामुन। देखिए, ऐसे करके चार पांच करके मैं डाल दे रही हूँ। तेल ज़्यादा है और फिर बहुत सारे चीज़ बनते हैं आज के दिन। तो हम लोग पहले नहीं बनाते हैं क्योंकि कढ़ाई हम लोग में नहीं चढ़ता है पहले, तो बाद में ही बनता है। जैसे मतलब होली के दिन ही जो बनना है सब बनता है। और ये देखिए, एक दो थोड़ा सा इस तरह से हो गया, तो फिर भी कुछ खराब फटा हुआ नहीं था, इस तरह से दिख रहा था, लेकिन रस में जाने के बाद पूरा। तो बस मैं ज़्यादा गुलाब जामुन नहीं बना रही हूँ। और सब लोग आते हैं ना होली के शाम को, तो कुछ मतलब देने के लिए ये गुलाब जामुन हो गए, दही भल्ले हो गए, ये सब मतलब कि हम मतलब देते हैं खाने के लिए, तो कोई कोई आते हैं तो। और फिर ये देखिए, गुलाब जामुन मेरा छना हुआ हो जाएगा तो फिर, और सब मैं आज मतलब फ्राइड वाला ही बनेगा फ्राई। तो अब इसके बाद मैं दही बड़े भी बना लूँगी। तो दही बड़े की दाल तो मैं दिखाई ही थी, तो मैंने पीस वीस के रख लिया है। और बस ये देखिए, ये वाला गिट्स वाला है गुलाब जामुन। तो गिट्स वाला ही हम लोग मतलब लाते हैं हर टाइम, तो यही वाला गुलाब जामुन है। तो आटा गूंथते हुए मैं नहीं दिखाई थी, इसलिए मैं अभी दिखा दे रही हूँ। और ये देखिए, तो ये देखिए गुलाब जामुन मेरा कैसा है बताइएगा। और बस थोड़ा ठंडा हो जाएगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद मैं रस में डालूंगी थोड़ा सा। और फिर उसके बाद मैं अब दही बड़े बनाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने दाल पीस के रख लिया था। तो मैं मतलब पूरे उड़द दाल की नहीं बनाती हूँ, तो उड़द दाल और मतलब थोड़ा चना दाल दोनों फेंट के, और थोड़ा सा उसमें अदरक लहसुन भी मैंने डाला है हल्का सा, तो थोड़ा टेस्टी भी लगेगा। ऐसे भी बड़े खा लेंगे आदमी, कोई जिसको भी मतलब सूखा हुआ खाने का मन करेगा तो सूखा भी खा सकते हैं बच्चे लोग। तो अभी मैं मतलब सुबह में यही सबसे पहले बना ले रही थी, छोले और फिर गुलाब जामुन और उसके बाद दही बड़े। और उसके बाद मैं धीरे धीरे बनाते रहूँगी, मतलब अभी तो दिन भर मतलब लग जाता है, आज का दिन भर मतलब शाम तक खाना ही बनाते बनाते पार हो जाता है। और ये देखिए, मैं गुलाब जामुन ठंडे हो गए हैं तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ सारा का सारा गुलाब जामुन। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इसको थोड़ी देर रख दूँगी। तो ये देखिए कितने बड़े बड़े और फूले फूले हो जाएंगे और पूरा मतलब अच्छा बन जाएगा। और ये देखिए, मेरे दही भल्ले भी मैं छानने लगी हूँ। तो ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, बस थोड़ा थोड़ा ही बना रही हूँ, मतलब फिर बच जाता है तो कौन खाएगा, इसलिए ज़्यादा नहीं। और ये देखिए, मैं ब्रेड मंगा के रखी हूँ, तो अभी ब्रेड पकौड़ा भी बनाऊँगी। बच्चे लोग बोल रहे थे कि ब्रेड पकौड़ा भी बना देना, तो बोले ठीक है। और फिर अभी पहले ये सब बना ले रही हूँ। तो अभी छोटा मोटा थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ खा लिए हैं, तो इसलिए थोड़ी देर के बाद ही ब्रेड पकौड़ा नाश्ता में मतलब समझिए सुबह का नाश्ता का ब्रेड पकौड़ा ही होगा। तो अभी किसी ने कुछ नहीं खाया है, मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ खाया है, तो इसलिए मैं पहले ये सब काम कर ले रही हूँ। और मैं ही हूँ अकेले करने वाली, तो फिर सारा कुछ तो मुझे ही करना है। तो इधर गुलाब जामुन भी हो गया है और दही बड़े भी मैं बना रही हूँ, और फिर मेरा छोला भी मैंने चढ़ा दिया था, तो छोले की भी तैयारी कर रही हूँ धीरे धीरे। तो प्याज टमाटर ये सब मैंने पीस के रख लिया है, तो अभी मैं छोले भी मतलब बना लूँगी। अभी छोला बनाया नहीं है, सिर्फ उबाल के रख दिया है। और ये देखिए, मेरे टेस्टी गुलाब जामुन, और देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। और थोड़ा मेरा आवाज़ गला बैठा हुआ है, तो आवाज़ थोड़ा अच्छे से नहीं आ रहा होगा शायद आप लोग को, तो उसके लिए थोड़ा सॉरी, तबीयत ठीक नहीं है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या क्या मतलब अपने घर में बनाए हुए हैं, और आप लोग के घर क्या क्या बनता है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके।
और हम लोग के घर में तो दही बड़े जरूर बनते हैं। और ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये टमाटर की प्यूरी, और प्याज, प्याज वाला मैंने डाल दिया है, ये देखिए प्याज। और छोले, छोले मैं मतलब अभी करूँगी, छोले बनाऊँगी, तो इस ये सब मसाले भून के और इसी में छोले डाल दूँगी। और कुकर में मैंने पहले उबाल लिया है अच्छी तरह से, तो बस ये सब है। और गरम मसाला बस, मैं ये देखिए मेरे छोले कितने अच्छे से देखिए, गल गए हैं, और दही बड़े भी मेरे सारे मतलब छान के पानी में मैं थोड़ी देर के लिए रख दी हूँ, और फिर बाद में अभी थोड़ी देर बाद मैं दही में डालूंगी। तो अभी अभी पहले ये छोले की तैयारी कर ले रही हूँ और साइड में रख दे रही हूँ, और फिर मैं तैयार वगैरह अभी नहीं हुई हूँ क्योंकि अभी सुबह का टाइम है ना, तो कोई भी मतलब कलर वगैरह लगा देगा, क्योंकि मेरे किचन भी बाहर में है, अंदर में बंद करके तो नहीं, मतलब बाहर में, तो बाहर में तो कोई भी आ सकता है, इसीलिए तो जो मतलब नया पुराना ही कपड़ा पहना है, क्योंकि फिर मतलब कपड़े गंदे हो जाएंगे और अच्छे वाले पहनने से। तो और ये देखिए ये छोटी वाली लड़की आई है, तो पूछ रही है क्या क्या आंटी बना रहे हैं, तो मैं बोल रही हूँ क्या खाएगी बताओ, वही बना के मिलेगा। तो अभी मैं छोले बना रही हूँ, देखिए छोले डाल दिया है और पानी डाल दूंगी, और उसके बाद मैं बनाऊंगी पुआ। तो ये देखिए मैदा और सूजी में डाल दूंगी, तो मैदा और सूजी का ही मैं बना रही हूँ पुआ। तो मैदा को चाल के और इसमें मैं डाल दी हूँ, और सूजी पैकेट वाला था तो सूजी अच्छा था, तो सूजी मैं इसमें डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा थोड़ा सूजी, और मतलब आधा आधा दोनों मैं डाल रही हूँ, हाफ हाफ। और फिर उसके बाद चीनी डाल दूंगी और इसको मतलब थोड़ी देर मतलब घोल के और थोड़ी देर रख दूंगी। तो ये देखिए चीनी भी मैंने डाल दिया, ड्राई फ्रूट मैंने ही डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि बच्चे लोग फिर ड्राई फ्रूट वाला नहीं खाते हैं इसीलिए। और पानी से मतलब मैं घोल दे रही हूँ, दूध से भी घुला जाता है तो मैं पानी से ही घोल दे रही हूँ, और घोल के और इसे रख दूंगी मतलब आधा एक घंटा तक, ये सूजी जो फूल जाएगा ना थोड़ा सा, और इसे बहुत अच्छे से मैं फेंट ले रही हूँ पूरा फेंट के। और तब तक दूसरे कुछ कुछ और चीज़ मैं बनाऊंगी, और इसे अभी ढक के रख दी हूँ। और ये देखिए मैं क्या बना रही हूँ, इमली की चटनी ब्रेड पकौड़ा के साथ खाने के लिए। तो इसमें जीरा और हींग का मैं मतलब तड़का लगाई हूँ। और ये देखिए जो इमली मैंने फूलने डाला था और आपको दिखाया था अगले वीडियो में, तो एक साथ मैं वीडियो नहीं डाली क्योंकि लंबा फिर हो जाएगा, और थोड़ा सा तेल, ज़्यादा तेल नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। और फिर मतलब तेल में मैं जीरा और हींग डाल दी हूँ, और फिर ये उसको पीस के इमली को अच्छे से मिक्सी में फिर छान के, बहुत लंबा प्रोसेस है, तो मैं पहली बार ही बना रही हूँ इमली की चटनी, ये चटनी मीठी वाली है। तो ये देखिए, और फिर इसे ये खोलते रहेगा, फिर इसी में मसाले वगैरह जो भी आपको डालना है, तो मैं जैसे कि मैं लाल मिर्च थोड़ा सा डालूंगी, और ये देखिए गुड़, तो गुड़ को मैंने कूट लिया है और इसी में मैं डाल दे रही हूँ गुड़ भी, और गुड़ डाल के और फिर चला, तब तक इसमें पिघलते रहेगा गुड़, और फिर मसाले भी इसी अभी ही डाल दीजिए। और
मतलब इतने सारे चीज बने हैं लेकिन खाएंगे बच्चे लोग बस इसी को सबसे ज़्यादा। ये तो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा ब्रेड पकौड़ा, बाकी सब। और ये देखिए मेरा पुआ भी बन गया है गर्मा गर्म, तो ये थोड़ा सा ठंडा होने के लिए मैं यहीं पे अभी रख दी हूँ, तो इसके बाद मैं रखूँगी। और ये देखिए इस तरह से मैं ब्रेड पकौड़ा बना रही हूँ, चोखा वोखा बना। इतना ही ब्रेड मतलब पुआ मेरा ख़त्म नहीं होता है, मतलब होगा इतना ही मैं बच जाता है, थोड़ा सा ही मैं बनाई हूँ लेकिन फिर भी बच ही जाता है। और फिर क्या कहते हैं इतना ही, और दही भल्ले भी ज़्यादा नहीं बनाए हैं, थोड़े से ही बनाए हैं, पर होली है तो थोड़ा बनाना ही है, और ऐसे कैसे चलेगा। तो बस थोड़े थोड़े मैंने सब कुछ बना लिए हैं, और मतलब ये देखिए मेरी इमली की चटनी और हरी वाली भी चटनी मेरे तैयार हो गया है, तो ब्रेड पकौड़ा के साथ खाने के लिए। और ये देखिए हरी वाली चटनी, तो धनिया पत्ता, अदरक, लहसुन और फिर क्या कहते हैं थोड़ा पुदीना का पत्ता सब मिला के मैंने चटनी बना लिया है हरी वाली, तो हरी चटनी। और ये और हरी चटनी तो मैं बहुत बार बनाई हूँ, लेकिन लाल वाली चटनी मतलब इमली की चटनी पहली बार बनाई हूँ, तो मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गई थी इमली की चटनी बना के, और खुश, बहुत टेस्टी बना था इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था। तो बस ये इसीलिए मैं आपको दिखा दे रही थी। और रेसिपी वगैरह तो मैं अभी मतलब अच्छे से नहीं डाली हूँ, लेकिन फिर डाल दूँगी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो। और प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दिएगा। और फिर हम लोग शाम को मैं अपने मायके गई थी, मतलब अबीर लगाने अपनी माँ को अबीर लगा दी, और फिर क्या कहते हैं अपने भाई भाभी सब से। ये देखिए मेरा ब्रेड पकौड़ा, तो मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ, और ब्रेड पकौड़ा पूरा फिनिश हो गया था, तो सब लोग को बहुत अच्छा लगा था और टेस्टी भी बहुत बना था। तो बस मैं भी खा के टेस्ट कर ले रही हूँ। और अभी और पनीर पकौड़ा भी बनाया था तो वो नहीं दिखा पाई थी, तो पनीर पकौड़ा ये देखिए पनीर पकौड़ा है ये, और ब्रेड पकौड़ा है, तो पनीर पकौड़े भी मैं बना ली थी, और इमली की चटनी हरी वाली चटनी दोनों मैंने ले लिया है, और टेस्ट करके भी मैं देख ले रही हूँ और आपको भी टेस्ट करवा दे रही हूँ। तो टेस्ट करना तो बनता ही है, तो मीठा तो मतलब खा के ये होती है देखिए पनीर के पकौड़े, तो पहले आप लोग खा के बताइए और फिर मैं खा के बता रही हूँ कैसा लग रहा है। ये देखिए पनीर के पकौड़े, और बहुत टेस्टी बने थे। तो बस अभी सुबह से मैं यही अभी खाने बैठी हूँ और दोनों चटनी के साथ ट्राई कर ले रही हूँ, बहुत टेस्टी बना है, बहुत अच्छा लग रहा है। और बस मतलब एकदम शकल का तो 12 बजा हुआ है, तो उसका इग्नोर मारिएगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद मैं फिर हाथ मुँह धोऊंगी, नहाऊंगी, तैयार हो जाऊंगी फिर शाम में एक ही बार। तो बस इतना टेस्टी बना था और बहुत अच्छा लग रहा था, और बच्चों लोगों का तो फेवरेट है ब्रेड पकौड़ा, तो ऐसे भी मैं कभी कभी बनाती हूँ बच्चों लोगों के लिए, और हरी चटनी लाल चटनी दोनों के साथ बहुत टेस्टी लग रहा था। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा मतलब लग रहा है ब्रेड पकौड़ा, और मैंने जो भी सब बनाया। मैं एक ही बार शाम को आपको मिल रही हूँ, तो ये वाला क्लिप मैंने डाला था तो फिर से डाल दे रही हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो और कैसा लगा मेरा होली का पकवान। तो बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, और ये देखिए अभी मैंने लगा लिया, तो बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, गुड नाइट और हैप्पी होली।